Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of December 2019. तो 29 दिसंबर 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, आज जो पैटर्न रहेगा हमारा न्यूज़पेपर का वो ये रहेगा, पेज नंबर 14 जो कि एडिटोरियल कह सकते हैं आप उसको, संडे का एडिटोरियल होता है ये. तो आज जो एडिटोरियल्स आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं जिनको FAQs बोलते हैं ना. तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम साइंस सेगमेंट डिस्कस करेंगे क्योंकि साइंस भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए साइंस सेगमेंट डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम पूरी बाकी की न्यूज़ डिस्कस करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, जिनको टेम्स पोर्टल जाना है, देखना है, टेम्स पोर्टल में अभी दो इनिशिएटिव बिल्कुल फ्री हैं जिसमें आप डेली क्विज बिल्कुल फ्रीली देख सकते हैं, और कुछ और नई चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म रहेगा. उसमें पेड प्लेटफॉर्म में भी आपका इंडियन एक्सप्रेस योजना, कुरुक्षेत्र, द हिंदू की डेली नोट्स और PIB, ये थोड़ा पेड में रहेगा और बाकी चीज़ें फ्री प्लेटफॉर्म में रहेगी. अदरवाइज़ आपके वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आप हमेशा इनको देख सकते हैं. सो टेम्स पोर्टल और बाकी जो हमारी सोशल मीडिया लिंक्स हैं दे आर बिलो, आप उनको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. एक रिक्वेस्ट आपसे मैंने कल भी की थी एक कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, दैट प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़. अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोज़ तो उनको प्लीज़ देखा करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे. सो दिस इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग सरोजनी नायडू वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर टू इज, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वॉज फॉर्म्ड बाय. ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इनमें से किसने बनाई थी. ऑप्शन आर BR अम्बेडकर, BMR जयकर, सी महात्मा गांधी, DEV रामास्वामी नायकर. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ कांग्रेस. तो रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, ये कब पास हुआ था आपको बताना है. ऑप्शन आर ए कराची सेशन, बी लाहौर सेशन, सी हरिपुरा सेशन या डी मद्रास सेशन. सो दीज आर द थ्री प्रिलिम्स क्वेश्चंस फॉर यू, आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा. Now the main question for today is, how different would have been the achievement of Indian independence without Mahatma Gandhi. This is a question from UPSC 2015 paper, आप इसको please try करिए लिखने का. कल कुछ लोग पूछ रहे थे कहाँ लिखना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको वेबसाइट में भी डाल दूँ, एंड वेबसाइट में हम एक प्रॉपर आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आप आंसर लिखेंगे और आप लोग में ही कुछ लोग जो रहेंगे रिव्यू कर लेंगे, है ना. सो वी विल बी स्टार्टिंग दैट सून, दैट विल बी अ फ्री इनिशिएटिव, एंड ये भी स्टार्ट होगा पोर्टल में ही, हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं. वहाँ पे आप इसको ईजिली लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना. सो दैट विल बी देयर, आप उसको वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पुट कर दिया वेबसाइट में. आई विल बी गिविंग यू द लिंक्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं. So let's start the news analysis, friends. The first news is the Indian economy in really bad shape? क्या Indian economy really bad shape में है? This is the first FAQ or editorial आप कह सकते हैं इसको. तो सबसे पहली चीज़ तो क्या क्या instances हैं जो कि बताता है कि Indian economy bad shape में है. तो if you have seen closely, the Indian economy अभी recently release हुआ था GDP growth for this quarter, and वो थी 4.5%. okay, तो GDP growth जो आई थी वो 4.5% आई थी. 4.5% की ग्रोथ जो हमने देखी वो पिछले 6 साल की सबसे कम थी, 6.5 सालों में सबसे कम रिकॉर्डेड ग्रोथ थी GDP की, एंड ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बैड शेप में है. दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है ना. उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ें देखें, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स थे. फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो था वो 1% पे गिर गया था. प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ जो थी वो हाफ हो गई थी, प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ. देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 1% से. दीज आर द इंस्टेंस showing that Indian economy was in bad shape. अगर आपसे UPSC mains GS3 में क्वेश्चन आता है, देखो GS3 में ये क्वेश्चन आएगा कि what are the instances to show that Indian economy is in bad shape. First तो आप ये GDP growth का figure देंगे, second आप investment का figure देंगे जो घटा है, third आप consumption देंगे कि consumption half हो गया है, फोर्थ जो आप इंस्टेंस देंगे वो आप क्या देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 1% से. सो दीज आर द इंस्टेंसेज शोइंग दैट द इंडियन इकोनॉमी इज इन बैड शेप.
इसके बाद एक सबसे बड़ा इंस्टेंस जो है वो हमारे इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन का है। मैंने कई बार बताया कि स्टैगफ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आता जा रहा है। स्टैगफ्लेशन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैगनेंट यानी रुका हुआ, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे बड़ी समस्या जो इस समय चल रही है वो स्टैगनेशन की है प्लस स्टैगफ्लेशन की है, मतलब स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट यानी कि रुका हुआ, यानी कि ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, ग्रोथ हो नहीं रही है ज़्यादा, तो स्टैगनेंट हो गई इकोनॉमी। दूसरी चीज़ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों समस्याएं जब एक साथ आ जाती हैं, वैसे होना क्या चाहिए था कि अगर स्टैगनेंट है, अगर ग्रोथ नहीं है, मतलब कि अगर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है तो प्राइसेस घटने चाहिए, है ना। नॉर्मल रूल तो यही कहता है कि प्राइसेस डिक्रीज होने चाहिए अगर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो, अगर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे क्या केस हो रहा है कि एक तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, दूसरा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है। अब जो हमारे फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, यानी कि अरविंद सुब्रमण्यम, ही इज कॉलिंग इट ग्रेट इंडियन स्लो डाउन। ओके, तो उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ नॉट लाइक द अर्लियर स्लो डाउन, ये पहले जैसे स्लो डाउन नहीं है कि बहुत ईजी है एंड जस्ट इससे बाहर आ जाएंगे हम। ये इनको कहा जा रहा है कि इट्स अ ग्रेट इंडियन स्लो डाउन, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सॉरी नॉट सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है इट इज़ द ग्रेट इंडियन स्लो डाउन, जो कि 1991 के स्लो डाउन से कंपेरेबल है। इंडिया का जो 1991 जब हमको बेल आउट किया गया था IMF द्वारा, तो उस लेवल का ये स्लो डाउन है। This is what he's saying. Then what are the factors responsible for this slowdown? तो सबसे पहला factor जो उन्होंने बोला है वह structural problems। जैसे कि structural problems में क्या आता है, जैसे कि labor reform, जो अलग अलग sets होते हैं जिनसे economy बनती है, factors of production जो होते हैं जो economy को बनाते हैं, factors of production जैसे कि land, labor, capital and entrepreneurship। तो यहाँ में जो problems होती हैं वो structural problems कहलाती हैं, land में, labor में, okay, capital में। तो ये जो problems होती हैं structural problems होती हैं। फिर इसके अलावा रूरल इनकम ग्रोथ, जो रूरल एरियाज हैं उनकी इनकम ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो अगर इनकम ज़्यादा नहीं है तो कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगा, अगर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होगा तो इकॉनमी कहाँ से ग्रो करेगी। देन डीमोनेटाइजेशन जब आया तो उसने बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस थे, रेडी वाले थे और जो कोऑपरेटिव्स थे, उनको ख़त्म कर दिया। तो डीमोनेटाइजेशन वॉज अनदर फैक्टर विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो डाउन। देन हेस्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST का जो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो भी एक समस्या थी। देखो ये बहुत अच्छा न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आपको पूरा एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर, मैंने पहला था कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ इंडियाज स्लो डाउन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडियाज स्लो डाउन इन 2019 इज़ नॉट एनी ऑर्डिनरी स्लो डाउन, रादर इट्स अ ग्रेट इंडियन स्लो डाउन कमेंट। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन आप हो सकता है इसमें लिख सकते हैं। तीसरा जो अभी मैं बता रहा हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रीजंस है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि ये रूरल इनकम ग्रोथ कम है, डीमोनेटाइजेशन, हेस्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। देन फोर बैलेंस शीट चैलेंज, पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम था। अगर आपने आई थिंक 2018 का अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, 2017 का इकोनॉमिक सर्वे, 18 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स थी, है ना, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बैंक्स की और कॉरपोरेट्स की। अब इसको फोर बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोल दिया गया है। एक तो पहले के बैंक्स का NPAs था, देन कंपनीज थी ओवर लेवरेज्ड कंपनीज, अब उसमें दो और जुड़ गए हैं, NBFCs और रियल इस्टेट फर्म्स। तो NBFCs और रियल इस्टेट फर्म्स की बैलेंस शीट भी जुड़ गई, इसलिए फोर बैलेंस शीट चैलेंज को कहा जा रहा है। What could be done to reverse the slowdown? क्या किया जा सकता है कि slowdown को reverse किया जा सके? पहली चीज़, सबसे पहली बात तो हमको जो structural problems हैं उनको सुधारना चाहिए। Then we need to do some labor reforms, tax reforms, GST reforms, okay? ये reforms की ज़रूरत है। Land and उसके laws को change करने की ज़रूरत है, कुछ जहाँ जहाँ problem है उन्हीं को change करोगे ना। Structural problem है तो land, labor, इनके जो rules हैं उनमें reforms करने की ज़रूरत है। अगर NPA, GST में problem है तो GST में reform करने की ज़रूरत है। जो tax slab ने अलग अलग बना दिया उनको थोड़ा रेशनलाइज करने की ज़रूरत है तभी, और कंजम्पशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। कंजम्पशन कम है तो कंजम्पशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट द इंडियन इकोनॉमी टू परफॉर्म इन अ बेटर वे। ओके, प्रोटेक्टिंग द माइनर्स, ये दूसरा आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिकली डिटेंशन ऑफ माइनर्स के ऊपर है, मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनका, उनके डिटेंशन को लेकर के है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बात की गई कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता है डिटेंशन ऑफ माइनर्स को लेकर के। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट आया था 2015 में, जुवेनाइल जस्टिस
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं और कुछ बोला गया है कि उन बच्चों के लिए जो लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में है, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने कोई कांड कर दिया है, हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, उनके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं अंडर दिस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसका सेक्शन 10 बोलता है कि एज सून एज अ चाइल्ड एलेज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जैसे ही कोई बच्चा या चाइल्ड आता है जो कि डिफाइंड है एज पर दिस एक्ट चाइल्ड, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में आता है एंड उसको अगर पुलिस पकड़ती है, देन द चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। तो उस बच्चे को आप पुलिस रिमांड में बाकी क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखोगे, आप उसको कहाँ रखोगे, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में आप रखोगे और द डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। तो उसमें से आप में जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा उसके अंतर्गत रखोगे। वो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या वो जुवेनाइल जो यूनिट है वो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेगी। उसमें जर्नी का टाइम अलग रहेगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम आप उसको 24 घंटे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, ये याद रखेगा। अब कौन सी बॉडी है इंडिया में जो कि राइट्स को प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड के, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2007 में बनी थी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखेगा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2007 में बनी थी एंड एक्ट था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनी थी, 2007 में बनी थी और किस एक्ट के अंतर्गत आती है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत आती है। सबसे पहली बात, जो ऑब्जेक्टिव है इस कमीशन का, इज टू प्रोटेक्ट प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना एंड प्रमोट करना, ठीक है ना, एंड इंक्लूडिंग इट इंक्लूड्स द राइट्स अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 1989। तो एक याद रखिएगा, कन्वेंशन भी है, यूएन कन्वेंशन भी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो कि 1989 का कन्वेंशन है। तो काफ़ी कुछ सीखने को हमको मिल रहा है इस न्यूज़ आइटम में। पहले हमने NCPCR के बारे में पढ़ा, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उसके ऊपर उसके रूल पढ़े कि किस तरीके से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का रूल क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना है और स्पेशल वेलफेयर ऑफिसर होता है क्या, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो 2007 में बॉडी बनी थी उसके बारे में सीखा, देन हमने सीखा कि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन भी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989, और इसको इंडिया ने ऐसे एक्सेस किया है 1992 में, ओके, साइन किया है 1992 में। इसी कन्वेंशन में जो चाइल्ड है उसकी डेफिनेशन है कि पर्सन ह्यूमन बींग अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसको चाइल्ड बोलेंगे, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर। ये जो कमीशन है अपनी, जो हमने ऊपर पढ़ी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और इसके अंदर प्रोविजन है कि स्टेट कमीशन के भी फॉर्मेशन किए जाएंगे, ओके, स्टेट कमीशंस विल ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड अंडर इट्स सुपरविजन, ये भी है। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्या क्या पावर्स हैं। फर्स्ट है द पावर गिवन, ये पहली जो पावर है, इट एग्जामाइंस एंड रिव्यूज द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स टू द गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये रिव्यू करता है कि क्या प्रोविजन्स है चाइल्ड राइट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये गवर्नमेंट को भी टाइम टू टाइम सजेस्ट करता रहता है कि और क्या करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दूसरी चीज़, द कमीशन कैन ऑल्सो इंक्वायर इनटू द वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ऑब्वियसली बात है, अगर चाइल्ड की राइट्स की कमीशन है तो चाइल्ड राइट्स अगर वायोलेट हो गए तो उनको इंक्वायर भी कर सकता है, ओके। इंक्वायरी के टाइम इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर आ जाती है, याद रखिएगा, इंक्वायरी के टाइम जो NCPCR है उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर आ जाती है। और अभी अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस आर्टिकल में कि NCPCR ने क्या CAA प्रोटेस्ट, यानी कि जो एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट है, उसमें क्या बच्चों के राइट्स को बचाने की कोशिश की। तो NCPCR ने डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, लेकिन जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे तब उन्होंने ज़रूर एडवाइस किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सारे स्टेट्स के, कि बच्चों का यूज़ ज़रूर किया जाएगा फॉर स्टोन पेल्टिंग एंड ऑल, बच्चों का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे केस में उन्होंने ये डायरेक्टली तो इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन DGP को ज़रूर इंश्योर किया था कि ये जो बच्चों का यूज़ इस तरीके से करना भी अपने आप में बच्चों के राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप उस केस में उनको थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिएगा। सो दिस वॉज द अप्रोच इन द डिटेंशन ऑफ माइनर्स केस, एंड
आई होप यू गॉट क्लैरिटी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. वॉट इज़ द डायरेक्टिव ऑन डिटेंशन सेंटर? तो पहले तो हम बात कर लेते हैं NPR और NRC की. तो आपको आपको पता है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने की बात शुरू की जा रही है. पहली बार जब NPR आया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो 2010 में आया था. उसकी बात 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में की गई थी. तो ये मैंने आपको बताया कि 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में इसकी बात की गई है NPR की. NPR जो पहली बार कलेक्ट हुआ था वो 2010 में हुआ था, अपडेट वो 2015 में हुआ था. और आज की केस में अगर हम देखें तो 119 करोड़ भारतीयों का NPR ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है. लेकिन इस बार जो है, इस बार और ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाएगा. फ्रेश NPR की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है. प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर, मदर, लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वोटर ID, आधार, ये मोबाइल फोन्स, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये डाटा भी आपको कलेक्ट करना है. तो ये एक जो NRC का बैकअप या NRC का प्रिमाइस आप बोल सकते हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है. सो फॉर दैट दिस इज द स्टोरी सो फार, ये अभी तक की स्टोरी है. रेजिडेंट की डेफिनेशन अंडर दिस NPR क्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि NPR क्या है. NPR एक रजिस्टर है जिसमें सारे रेजिडेंट के नाम रहेंगे, इंडिया के सारे रेसिडेंट के नाम रहेंगे. ये बड़ा सेट है और इसके अंदर से जब आप केवल और केवल सिटीजंस निकाल लेंगे तो NRC बनेगा. तो ये बड़ा सेट है और ये आपका छोटा सा सेट रहेगा NRC का. तो ये NRC, इसके बाद जो सिटीजन बचेंगे सारे रेसिडेंट्स में से, तो ये रेसिडेंट्स के लिए है, ये सिटीजंस के लिए है. रेसिडेंस की जो डेफिनेशन NPR में है वो ये है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं इस कंट्री में, या आगे आने वाले समय में 6 महीने ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो फिर आप एक रेसिडेंट की डेफिनेशन में अगर आपको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं जो आर्टिकल है डिटेंशन सेंटर का. तो डिटेंशन सेंटर क्या होता है? क्या होता है कि जब कोई भी फॉरेन नेशनल है, अगर उसने इलीगल तरीके से इस कंट्री में रुक रहा है, फॉर एग्जांपल उसने वीज़ा को ओवर कर दिया है या कोई दूसरे तरीके से इलीगल मींस के थ्रू वो इस कंट्री में रह रहा है, तो एनीवन हु इज़ स्टेइंग इलीगली इन दिस कंट्री, तो सेंटर के पास पावर है कि उसको डिपोर्ट करे उसके नेशन में. लेकिन डिपोर्ट करने से पहले, पकड़े जाने से और डिपोर्ट करने के बीच के समय में, जब उसका डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, उस समय उसको कहाँ रखा जाएगा? उस समय उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, ऐसा प्रोविजन कहता है. और ये जो डिपोर्ट करने की पावर है, ये सेक्शन 3(2) उसका सबसेक्शन 2 और उसका सबसेक्शन सी, तो 3(2)(c) के अंतर्गत, जो कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 में है, उसके अंतर्गत उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना. तो ये मैंने कई दिनों से चिल्ला के आपको बताया है कि सिटीजनशिप इलीगल माइग्रेंट वाला जो केस था, जब मैं बताता था आपको आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बताता था, तो इलीगल घोषित करने के 2 एक्ट्स मैं आपको हमेशा बताता था. एक बताता था पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920, दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 उसका सी जो क्लॉज है, वो आपका बोलता है कि इलीगल माइग्रेंट अगर कोई रह रहा है तो उसको डिपोर्ट करने की पावर सेंटर के पास है. इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई अंडर आर्टिकल 258(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक सिमिलर स्टेप्स. ओके, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये लिखा कि जब तक जो ये बीच की प्रोसेस है, तो और अगर किसी फॉरेन इलीगल माइग्रेंट ने अपना जेल टर्म पूरा कर लिया है, तो उस दौरान उसको कहाँ रखा जाएगा? उस दौरान इसको रखा जाएगा आपके डिटेंशन सेंटर में. ओके, अब डिटेंशन सेंटर की बात करें तो क्या वो जेल ही होती है? तो नहीं, जेल और डिटेंशन सेंटर में एक डिफरेंस होता है, ये ज़रूर याद रखना. देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन जेल एंड डिटेंशन सेंटर, तो ये आपको याद रखना है. एंड डिटेंशन सेंटर में उनको भी रखा जाता है जो फॉरेनर्स ओवर स्टे करते हैं अपने वीज़ा पे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ किन किन स्टेट्स में डिटेंशन सेंटर है? तो दिल्ली के पास एक डिटेंशन सेंटर है, लामपुर, ओके, वहाँ पर है. और ये जो आता है ऑपरेशनल है अंडर द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO के अंतर्गत ऑपरेशनल है ये. ओके, तो ये भी आपको याद रखना है. और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच भी देखती है इसको, एक जिस वार्ड में पाकिस्तानीज रहते हैं वहाँ पे इसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच देखती है. बोथ FRRO एंड दिल्ली पुलिस दे रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, तो इस डिटेंशन सेंटर को लेकर के जो FRRO है या MHA है, दोनों ही होम अफेयर्स मिनिस्ट्री को ही बताते हैं. ओके, मापूसा में भी एक गोवा में एक डिटेंशन सेंटर सेटअप हुआ है ऑन February 7. राजस्थान हैज़ अ डिटेंशन सेंटर लोकेटेड इनसाइड द सेंट्रल जेल इन अलवर. तो ये देखो, ये गलत होता है. राजस्थान में सेंट्रल जेल अलवर के अंदर ही डिटेंशन सेंटर है. तो डिटेंशन सेंटर के बाहर और जेल, देयर शुड बी अ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में दूरी होनी चाहिए, वो सेफ नहीं होते हैं, है ना. तो ये पता होना चाहिए. एज ऑफ नाउ देयर इज नो सेपरेट डिटेंशन सेंटर इन पंजाब,
पंजाब में ऐसा कोई नहीं है, और कर्नाटका में अभी 1 जनवरी 2020 से शुरू होने वाला है, डिटेंशन सेंटर स्टार्ट होने वाला है। महाराष्ट्र में होने वाला था लेकिन अब शायद नहीं होगा जैसा कि प्लान है, अभी ड्रॉप किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी प्लान ड्रॉप किया गया है ऐसा बोला जा रहा है। सो दीज आर द स्टेटस ऑफ डिटेंशन सेंटर्स इन इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम। इसमें यही सारी चीज़ें थी। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देर इज़ अ नीड, वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच टू एड्रेस द चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। ओके, तो चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को डील करने के लिए दूसरी अप्रोच चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस आर्टिकल में दूसरी अप्रोच नहीं बताई गई है। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो यू विल नॉट गेट अ डिफरेंट अप्रोच, बट वॉट यू विल गेट इज सम फैक्ट आपको जरूर मिलेंगे। सबसे पहला फैक्ट आप जो कि आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, ग्लोबली ओवर 200 मिलियन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर आर क्रॉनिकली माल नरिश्ड। ओके, तो याद रखेगा कि ग्लोबली अगर हम देखें तो 200 मिलियन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं 5 साल की उम्र में जो कि क्रॉनिकली माल नरिश्ड हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। उसके बाद इंडिया का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया का जो होता है, उसमें ये बोला गया कि जो चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन नंबर है दे आर डिक्लाइनिंग। चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन के नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन अगर बहुत सारी स्टडीज़ अगर आप इन नंबर्स की देखिए तो उसमें क्लियर ये दिखता है कि जो ये फॉल है ये बहुत स्मॉल है। द रेट इज़ वेरी स्लो, द रेट ऑफ डिक्लाइन इज़ वेरी स्लो, मतलब कि अभी भी बहुत सारे बच्चे इंडिया में हैं जो कि मैल नरिश्ड है और उनका जो डिक्लाइन हो रहा है वो भी बहुत धीरे धीरे हो रहा है, मतलब कि जो अप्रोच है वो काम नहीं कर रही। जब भी कोई चेंज धीरे धीरे होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो वो चेंज बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, या तो वो चीज़ बहुत स्टबर्न है दूसरी, या फिर आपका जो जो प्रोसेस है वो आपका एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखेंगे या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स दिखेंगे, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है मेंस में अपने आप में कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन के क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले यार 5 इंपॉर्टेंट मैल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स यहाँ इस न्यूज़ आइटम बताए गए हैं। पहला है स्टंटिंग। स्टंटिंग आपको पता है कि जब आपकी हाइट ज़्यादा ना बढ़े, स्टंटिंग में क्या होता है हाइट ना बढ़े आपकी विद रिस्पेक्ट टू योर एज, तो उसको कहते हैं स्टंटिंग। देन आपका अंडरवेट सिचुएशन, सेकंड इज अंडरवेट। तो पहला है स्टंटिंग, दूसरा है अंडरवेट, आपका वेट आपकी एज के हिसाब से कम हो आपके उसके हिसाब से। थर्ड है आपकी वेस्टिंग। ओके, वेस्टिंग इज अनदर, जब आपकी पूरी आपका शरीर जैसे नहीं खत्म होते लगता है कि आपका वेट लूज ही बहुत ज़्यादा रहता है, आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट नहीं रहता है। तो एक तो क्या स्टंटिंग, दूसरा हो गया अंडरवेट सिचुएशन, तीसरा है वेस्टिंग, देन लो बर्थ वेट, फोर्थ पैरामीटर है लो बर्थ वेट, मतलब कि जन्म के समय बच्चे का वेट कितना है, एंड फिफ्थ इज अनीमिया। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट मैल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जिसको बताया गया। स्टंटिंग, स्टंटिंग में हाइट होती है, अंडरवेट आपको पता है, वेस्टिंग में भी आपका शरीर पूरी तरीके से एक तरह से खत्म होने लगता है, लो बर्थ वेट एंड अनीमिया, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट मैल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो कि मेंशन है यहां पे। सबसे देखो यहाँ पे क्या है, रिसर्चर्स ने एनालाइज किया NHFS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो था उनमें ये देखा कि 4 इंडिकेटर्स जो हैं, अमंग द 4 इंडिकेटर्स अनीमिया जो था वो हाईली प्रिवेलेंट था। अनीमिया सबसे अधिक प्रिवेलेंट है, अनीमिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपको अनीमिया का पता तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और जो बच्चे होते हैं जन्म के समय उनको भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत बड़ा कॉज है, डेथ का भी बहुत बड़ा कॉज है अनीमिया अपने आप में, है ना। आयरन की कमी से होता है, ब्लड में आयरन की कमी से होता है ये, तो ये भी याद रखिएगा कि अनीमिया इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बोला गया कि अनीमिया जो है वो हाईली प्रिवेलेंट है। ओके, सो दैट इज़ थिंग। ये सबसे अधिक प्रेवेलेंट है आपका राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। ओके, ये जो अनीमिया के केसेस थे ज़्यादा प्रेवेलेंट थे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, तो ये भी आपको याद रखना है। और अंडरवेट जो है ये रिफ्लेक्टिव है करंट इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड में। जो अंडरवेट सिचुएशन होती है वो सबसे अधिक रिफ्लेक्ट करती है कि किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं और किस तरीके का आपका बेसिकली न्यूट्रिशनल स्टेटस है। तो जो अंडरवेट वाली कैटेगरी होती है ना, अंडरवेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अब एक रेलिवेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि क्या स्टेटस है न्यूट्रिशन का। ओके, तो दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि आपका नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसमें प्रोग्रेस तो हुई है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को कम करने में, बट ये जो डिक्लाइन है ये कम है, इसलिए ऑथर कह रहे हैं बेसिकली कि जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव करना है। तो ये इक्वली
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अक्रॉस द पॉपुलेशन. मतलब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इगैलिटेरियन अभी नहीं हुआ है ये प्रोग्राम, और आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे इम्पैक्ट, ताकि जो रिजल्ट देखने को मिले वो ज़्यादा देखने को मिले. तो वही वाली बात ऑथर ने बोली है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट प्रोग्रेस ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन इज बोथ इफेक्टिव एंड इक्विटेबल. मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी इफेक्टिव एज वेल एंड इक्विटेबल एज वेल. तो ये स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है. अब यहां पे एक न्यूज आई है, आपको दिख रही होगी, बायोमार्कर्स फॉर ग्लायोमा ब्रेन ट्यूमर फाउंड इन पेरिफेरल ब्लड. ये हमको जानना जरूरी नहीं है कि क्या न्यूज़ है, लेकिन बायोमार्कर क्या होता है ये हम जरूर पढ़ सकते हैं. व्हाट इज अ बायोमार्कर? तो बायोमार्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ. बायोमार्कर इज बेसिकली अ मेजरेबल इंडिकेटर. एक मेजरेबल इंडिकेटर होता है बायोमार्कर ऑफ सम बायोलॉजिकल स्टेट. एक इंडिकेटर होता है जो किसी बायोलॉजिकल स्टेट को पता करने के लिए होता है, किसी बायोलॉजिकल स्टेट को पता करने के लिए होता है. तो एक तरीके से ये इंडिकेटर होता है बायोमार्कर. ये मेजर किए जाते हैं और इनसे इवेल्युएट की जाती है कोई दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस या पैथोजेनिक प्रोसेस. मतलब आपको सपोज कोई बीमारी है तो उस बीमारी का पता डायग्नोस कैसे होगा? किसी बायोमार्कर के थ्रू होगा. ओके, किसी बायोमार्कर के थ्रू होगा जो कि इंडिकेटर की तरह काम करेगा और किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को या पैथोजेनिक प्रोसेस को या फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स को ये देखना है कि दवाई कोई काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है. तो उसके लिए भी अपन क्या करेंगे, किसी बायोमार्कर का लेवल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो दवाई काम कर रही होगी तो वो बायोमार्कर थोड़ा ज्यादा आ जाएगा. तो अगर आपके ब्लड में वो बायोमार्कर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब दवाई काम कर रही है. तो याद रखिएगा, बायोमार्कर एक इंडिकेटर की तरह होते हैं जिनके लेवल को पता करके अगर आप उनके लेवल को चेंज को देखें तो आप बता सकते हैं कि क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है या क्या पैथोजेनिक प्रोसेस है या क्या फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स है किसी मेडिसिन का. तो ये सारी चीजें आप बायोमार्कर्स के थ्रू पता कर सकते हैं. शेप ऑफ सन्स कोरोना एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड. तो अब जो कोरोना का शेप है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया गया है. ओके, लैस्को इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है. लैस्को इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर है? बेसिकली ये आपका नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सोहो यानी कि स्पेस बेस्ड सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी में है. ओके, तो याद रखिएगा, लैस्को इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया और कहाँ पर यह रखा गया है? बेसिकली नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्पेस बेस्ड सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी. ये याद रखना आपको कि ऑब्जर्वेटरी कौन सी है, सोहो सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी. किसकी है ये? नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है. इंस्ट्रूमेंट का यूज कौन सा किया गया है? लैस्को. ओके, तो ये बेसिकली क्या था. अब देखो, ये जो इमेज थी जो लैस्को से निकाली थी और सोलार हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी में आई थी, ये अभी की नहीं है, पहले की है. 2 जुलाई को हुआ था ये, ठीक है ना. तो ये ओरिजिनल कोरोना का जो शेप था वो पता किया गया था यूजिंग दिस नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है सोहो सोलार हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और इंस्ट्रूमेंट का नाम है लैस्को, लैस्को इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना. तो याद रखना. अब जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया में जो सोलर फिजिसिस्ट इन इंडिया जो कि कहां पर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज SSI जो कि आईएसआईआईजर कोलकाता में है. ओके, याद रखिएगा, सोलर फिजिसिस्ट हैं कहाँ के? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेस. सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेस कहाँ पर है? आईसर कोलकाता में लोकेटेड है ये. तो दे हैव बीन सक्सीडेड इन प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द सन्स कोरोना एट द टाइम ऑफ एनुलर सोलर एक्लिप्स. जो एनुलर एक्लिप्स हुआ ना अभी, एनुलर एक्लिप्स क्या होता है बेसिकली? जब क्या होता है, आपका सन की एक रिंग दिखती रहती है, क्योंकि मून जो रहता है उसकी साइज छोटी रहती है तो वो पूरा कवर नहीं कर पाता और एक रिंग दिखती रहती है सन की, एंड यहाँ से ही ये एनुलर सोलर इक्लिप्स कहलाता है. और आप सबको पता होना चाहिए कि जो कोरोना होता है वो आउटर पार्ट ही होता है सन का, वो रिंग वाला पोर्शन ही होता है. तो वहाँ से सन की जो कोरोना थी उसका एग्जैक्ट शेप पता किया गया बाय द सोलर फिजिसिस्ट ऑफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज जो कि ISR कोलकाता के हैं. और ये जो था ये मैच कर रहा था विद द अर्लियर इमेज जो कि पता की गई थी नासा और स्पेशल यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि उनकी सोलार ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, सोलार एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो, एंड वहाँ पर लैस्को इंस्ट्रूमेंट था. तो याद रखिएगा, ओके, और उसी का यूज़ करके इस बार फिर से शेप पता किया गया. एंड जो ये शेप है ये एग्जैक्टली पहले जैसा ही शेप जैसा पहले था उसके से मैच कर रहा है, एग्जैक्ट शेप से मैच कर रहा है. तो ये भी आपको याद रखना है. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ. देखो, अभी तक की चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. देखो, आपको दिख रहा होगा, ये आपको सन दिख रहा है, ठीक है ना. क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है. अब इसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी. लेट मी शो यू दीज थिंग्स. ओके, सो लेट मी शो यू दीज थिंग्स.
Wait a second. Let me show you. Now you can see here. Okay. So अगर आप देखें सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, जो ये ग्रेइश कलर का पार्ट है, ये जो होता है ये कोरोना कहलाता है. Remember that this ग्रेइश पार्ट, जो ये वाला पोर्शन है, देखो ये कोरोना है, this is कोरोना. फिर उसके बाद आपको ये जो सेकंड ये लाइट येलो में दिख रहा है ना, ये होता है क्रोमोस्फेयर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये अगर आपने सीख ली समझ ली तो आप काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे खुद को. तो कोरोना सबसे आउटर होगी, उसके बाद आपको क्रोमोस्फेयर दिखा, फिर जो डार्क येलो वाला जो रीजन है, ये डार्क येलो जो रीजन है ये आपका फोटोस्फेयर है. ओके, याद रखिएगा. इसीलिए देखो डार्क वाला है और ऊपर आपका क्रोमोस्फेयर है लाइट वाला, तो डार्क के कारण वो लाइट आपको अर्थ से नहीं विजिबल रहता. ये याद रखना कि क्रोमोस्फेयर आपको अर्थ से विजिबल नहीं रहता एक्सेप्ट फॉर द एक्लिप्सिस, जब उसका रेड, वो एक्चुअली रेड कलर का होता है और वो एक्लिप्सिस के टाइम में जो लाल छटा दिखती है ना, वो आपको क्रोमोस्फेयर के कारण दिखती है. तो फोटोस्फेयर इज द इनर वन, सबसे बाहर कोरोना, कोरोना के अंदर क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर के अंदर फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के अंदर कन्वेक्शन जोन. ये जो है ये कन्वेक्शन जोन वाला पार्ट है, दिस इज कन्वेक्शन जोन, दिस कलर इज कन्वेक्शन जोन. ओके, उसके अंदर ग्रीन आपके रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन के अंदर रेडिएटिव जोन, और सबसे अंदर जो सबसे अधिक टेम्परेचर होता है अर्थ सन का, वो होता है कोर का, दैट इज द कोर पार्ट. ओके, रिमेंबर दैट, सबसे बाहर कोरोना, देन अंदर क्रोमोस्फेयर, उसके अंदर फोटोस्फेयर, फिर कन्वेक्शन जोन, देन रेडिएटिव जोन, देन आपका कोर. ओके, तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं सन के. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दैट ऑल्सो, और समझ में आपको आ गया होगा ये सारी चीज़ें. सो दिस वॉज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट जो कि डिस्कस करना ज़रूरी था. नाउ वी कैन सेफली मूव टू द फ्रंट पेज, एंड फ्रंट पेज से अब हम न्यूज़ स्टार्ट कर सकते हैं, जो जो अलग अलग न्यूज़ आई हैं अदर देन दिस एडिटोरियल्स एंड ऑल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज, नो एक्स्ट्रा चार्ज ऑन पेमेंट्स वाया रुपे एंड यूपीआई फ्रॉम 1st January. अगर आप 1st January से रुपे कार्ड से या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से पेमेंट करते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का है या 50 करोड़ तक का है, उनको ये बोला गया है, दे आर मैंडेटेड टू ऑफर दीज पेमेंट मोड्स. उनको ये बोला गया है कि आपको यूपीआई और यूपीआई के साथ साथ आपको रुपए की पेमेंट का मोड आपको अवेलेबल करना पड़ेगा टू द पीपल. अब देखो कौन सा चार्ज कटता था अभी तक, अगर आप पेमेंट करते थे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें कौन सा चार्ज कटता है, तो बेसिकली जो चार्ज कटता है वो कहलाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट. Remember that the charge which is cut during the digital payment, जब आप transaction करते हो कहीं पर भी, तो वो कहलाता है merchant discount rate. आपने ये वाली machine देखी है, आपने देखी होगी ना, ये वाली machine इस तरह से रहती है, इसमें card आप डालते हो and यहाँ से slip निकलती है ना, तो ये कहलाती है POS machine, है कि point of sale machine कहलाती है, point of sale machine. तो मैं थोड़ा आपको merchant discount rate बता देता हूँ, उसका concept बताता हूँ. Merchant discount rate is the percentage of the digital transaction, उस डिजिटल ट्रांजेक्शन का कुछ 1-2% रहता है, 1-3% तक रहता है. तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट उस डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब सपोज 100 रुपए की अगर ट्रांजेक्शन है तो अगर 1% MDR है तो वो 1 रुपया लगेगा. 100 रुपए का अगर ट्रांजेक्शन करना है आपको, कार्ड पेमेंट करनी है, और अगर 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट चल रहा है तो 1 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा, तो 101 रुपए की पेमेंट आपकी कटेगी. तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बेसिकली वो परसेंट होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो कि मर्चेंट पे करता है बैंक को, लेकिन जो मर्चेंट को पे करना चाहिए था वो कॉस्ट वो कस्टमर पे डाल देता है, वो मर्चेंट डायरेक्टली नहीं पे करता है, वो कस्टमर को डाल देता है. तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व है. मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो रहता है इसमें 3 लोगों का पैसा रहता है. अब मैं ये समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. मर्चेंट डिस्काउंट रेट में 3 लोग का पैसा कटता है. पहला तो उस बैंक का पैसा है जिसका वो कार्ड है, ओके, उस बैंक का पैसा है जिसमें आपका अकाउंट है. दूसरा उस बैंक का जिसने कि वो पॉइंट ऑफ सेल वहाँ पे इंस्टॉल किया है. तीसरा जो पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मास्टर यूज़ कर रहे हो, वीज़ा यूज़ कर रहे हो, तो ये गेटवे. तो पहला तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है जिससे आप पैसा कटवा रहे हो, दूसरा पॉइंट ऑफ सेल जिस बैंक ने इंप्लॉय किया उसने, तीसरा जो पेमेंट गेटवे था मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड उसका पैसा, ठीक है ना. तो ये याद रखना है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है उसमें इन तीनों की अमाउंट रहती है, ये मैंने लिखा भी है. तो MDR कंपनसेट्स बैंक इशूइंग द कार्ड, जिसने आपको कार्ड इशू किया था, जिसके में आपका अकाउंट है. जैसे आपने SBI का कार्ड यूज़ किया तो आपका अकाउंट होगा SBI में, तब ना आपने SBI का कार्ड यूज़ किया, तो उस बैंक को जिसमें आपका कार्ड है. दूसरा
जिस बैंक ने वो स्वाइपिंग मशीन या पॉइंट ऑफ सेल रखा है, इंस्टॉल किया है। तीसरा, वो नेटवर्क जो कि इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा है, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीजा कार्ड हो गया। तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है ये 1 जनवरी से नहीं लगेगा। अब निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि आरबीआई एंड बैंक्स विल एब्जॉर्ब दिस, आरबीआई और बैंक ये कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखो ये कॉस्ट उनको मिलती थी बाकी बैंक्स को और इन लोगों को, पेमेंट गेटवेज को, बट अब वो नहीं मिलेगी। तो जो ये कॉस्ट है ये कौन बियर करेगा? ये बियर करेगा बाकी के बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। और ये कैसे एब्जॉर्व करेंगे? तो उन्होंने कहा कि सेविंग होगी, जब उनको कैश हैंडल नहीं करना पड़ेगा तो उससे कुछ बचत होगी और उस बचत का जो पैसा रहेगा उससे ये इसको बियर करेंगे। लेकिन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एक लॉबी ग्रुप है, इंडस्ट्री लॉबी ग्रुप है, उनका ये कहना है कि ये जो MDR आपने हटा दिया है, इट विल हर्ट द कंपनीज इन द पेमेंट सिस्टम। अब देखो उनके पास कोई भी औचित्य नहीं रह जाएगा कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दें, है ना, क्योंकि पहले उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता था, लेकिन अब जो बैंक्स को भी नहीं मिलेगा, जो पेमेंट गेटवेज है उनको भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये जो बेसिकली क्या है कि ये वेवर जो है इट विल हर्ट द कंपनीज को हर्ट करेगा। एंड इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द कॉस्ट शुड बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द बैंक्स। उनका ये भी कहना था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का कि जो कॉस्ट है ये बैंक्स को नहीं बियर करनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट को बियर करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद तो बैंक्स के पास कोई मतलब इंसेंटिव ही नहीं रह जाएगा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का, अगर वो कॉस्ट उन्हीं के ऊपर आएगी तो, है ना। तो this is the thing which is there and this is from the front page. I hope you understood the news analysis part from this. और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जो कि हमको डिस्कस करनी है। सो यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आइटम्स आते हैं कभी कभी, तो मज़ा आता है। केरला गवर्नर फेसेस प्रोटेस्ट एट हिस्ट्री कांग्रेस इन कन्नूर। तो हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस चल रही है, उसका 80th सेशन चल रहा है। तो ये पहले फैक्ट तो याद रखिएगा, 80th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का सेशन चल रहा है, और वो कहाँ चल रहा है? वो कन्नूर केरला में चल रहा है। वहाँ पे केरला के जो गवर्नर थे उनको प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में उन्होंने दे दिया था, बयान दे दिया था। तो बेसिकली ये चीज़ थी, इनॉग्रल सेशन था 80th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का, और वहाँ पे बेसिकली उनका अपोज किया गया केरला के गवर्नर का, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ओवर हिज कमेंट बैकिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने बैक किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, तो इसलिए उनका थोड़ा अपोज किया गया। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इज द लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस विद ओवर 10,000 मेंबर्स। 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस लार्जेस्ट प्रोफेशनल एंड एकेडमिक बॉडी है ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस की। इस्टैब्लिश हुई थी 1935 में, तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इस्टैब्लिश हुई थी 1935 में। 80th सेशन है ये वाला जो चल रहा है, 80th सेशन है। एंड द लीड टू इस्टैब्लिश an all india national congress of historians was taken by pune historians during the period of british colonial rule. to pune ke historians ne ye lead li thi basically, and unhone hi milke banaya tha. pehla jo session hua tha wo that took place in bharat itihas sanshodhak mandal pune in 1935. bharat itihas sanshodhak mandal pune 1935 mein pehla session hua tha. sorry, ye aap yaad rakhiyega, hai na. and ये जो सेशन है वो 80th सेशन है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेस्ट फॉर अनमैन्ड मिशन बाय 2020, तो अनमैन्ड मिशन का टेस्ट जो होगा वो 2020 तक हो जाएगा, टेस्ट मिशन होगा इसरो का, और दैट विल बी द टेस्ट फॉर द 2021 दिसंबर, आपका जो मेन होने वाला है गगनयान। ओके, तो 2021 में गगनयान को लॉन्च करने की कोशिश की जाएगी। तो ये बेसिकली इसरो से न्यूज़ आ रही है कि फर्स्ट जो अनमैन्ड टेस्ट मिशन होगा अहेड ऑफ इट्स एम्बिशियस क्रूड मिशन ऑफ गगनयान, तो ये दिसंबर तक हो जाएगा, 2020 तक, और जो गगनयान का प्रोजेक्ट है वो 2021 में लॉन्च करने का सोच रहे हैं इसरो, है ना। तो इसरो कब बना था ये भी याद रखिएगा, इसरो बना था 1969 में, दैट इज अनदर फैक्ट जो कि कई पूछ सकता है कि इसरो कब बना था, तो 1969 में बना था। आगे मैं वैसे आपको बता दूंगा, ये देखो इसरो के बारे में, इसरो वाज फॉर्मड ऑन 15th August 1969, इट सुपरसीडेड द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसको इनकोस्पार बोलते हैं, जो कि 1962 में बनी थी। तो इनकोस्पार 1962 में और 1969 में वो बन गया क्या, इसरो। ओके, 15th August 1969 में, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि पीएम को रिपोर्ट करता है।
पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की थी इसरो ने वो आर्यभट्ट थी, 1975 में सोवियत यूनियन से लॉन्च की थी। रोहिणी फर्स्ट सैटेलाइट थी जो कि इंडिया के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। करंट जो चेयरमैन है वो के शिवन है। ओके, तो ये आपको सारे फैक्ट्स जो हैं वो याद होने चाहिए रिगार्डिंग इसरो। एंड जो गगनयान प्रोजेक्ट है वो 2021 तक ये लॉन्च करने वाले हैं। वो क्रूड प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें क्रू मेंबर्स जाएंगे। उसके पहले 2020 तक वो अनमैन्ड मिशन को भी टेस्ट करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में भी उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 जो रहेगा वो चंद्रयान 2 का कॉपी रहेगा। लेकिन चंद्रयान 2 में अगर आपने देखा हो तो उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, एक रोवर था। लेकिन जो चंद्रयान 3 रहेगा उसमें केवल लैंडर एंड रोवर रहेंगे, ऑर्बिटर नहीं रहेगा। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय इसरो चीफ के सिवन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। CAA फिर से न्यूज में आया है, तो एक बार जल्दी से मैं आपको CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताता हूँ। तो 6 कम्युनिटीज हैं जो कि हैं कौन कौन सी, बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड आपका सिख। दीज आर द 6 कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम 3 कंट्रीज। कंट्रीज कौन कौन सी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। डेट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, 31st December 2014। अगर आप 31 दिसंबर 2014 के पहले इन 3 कंट्रीज से आ रहे हैं और अगर आप इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा, इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इलीगल माइग्रेंट ट्रीट करने के लिए 2 एक्ट हैं, एक है पासपोर्ट एक्ट 1920, दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो आपको इन दोनों के अंदर इलीगल माइग्रेंट नहीं घोषित किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने 5 साल से ज़्यादा रह लिया है और आप इन 6 कम्युनिटीज़ में हैं, 5 साल से ज़्यादा रह लिया था, यू विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन आप एलिजिबल रहोगे। पहले जो ये इन कम्युनिटीज़ के लिए ईयर थे वो 11 साल थे, 11+1 था तो वो 5+1 हो गया। ठीक है, तो अब याद रखना कि 11 से घटा करके 5 कर दिया गया है। तो दिस इज बेसिकली द अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। और विजिटर्स जो बांग्लादेश से इंडिया आते थे उनके विजिटर्स में भी कमी आई है। जो न्यूज़ है बेसिकली कि विजिटर्स में भी कमी आई है। तो आपको अगर इम्पैक्ट कभी लिखने के लिए आ गया, अगर GS2 में आ गया, GS3 में आ गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि विजिटर्स में कमी आई है, टूरिज्म घटा है और इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंटरनेशनल रिलेशन हिट होंगे तो हमारे इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। रिफॉर्म्स रिस्टोर्ड PSB's हेल्थ। तो रिफॉर्म्स ने PSB की हेल्थ को रिस्टोर कर दिया, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। आउट ऑफ 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट हैज पोस्टेड लॉसेज इन 2018-19, 13 हैव रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20। तो 2018-19 में जिनमें 19 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनको लॉस हुआ था, उनमें से 13 जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ गए हैं। ठीक है ना। एंड जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, दे हैव फॉलन 18% सिंस लास्ट मार्च। तो ऐसा कहना है, ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। एंड ग्रॉस NPA जो PSBs के हैं वो बहुत घटे हैं, 8.96 लाख से घट करके 7.27 लाख पे बचे हैं। ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट इज़ कमिंग। एंड बेसिकली बात यही चल रही है कि जो PSBs की हेल्थ यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती जा रही है। एंड रिफॉर्म्स जो हमने अलग अलग लिए हैं बैंकिंग्स के लिए, चाहे वो उनको फाइनेंशियल हेल्प देने की बात हो या ये सारी चीज़ हो, तो उन सब में उन सब का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इसमें, ऐसा निर्मला सीतारमण का कहना है। अब उन्होंने एक और चीज़ बताई बेसिकली कि जैसे कहीं पे भी बैंक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी, लॉस जो हुए थे, जो NPA हो गए थे या अलग कुछ ऐसे एसेट्स थे जिनको CBI या ED ने पकड़ा है, तो बेसिकली हुआ क्या है, उनको बेचने के लिए एक नया बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ने, उसका नाम है EBK Raya। ओके, अब ई बकरिया बोलूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। सो मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च दिस EBK Raya, अपन इसको बोलते हैं BK Raya, है ना, पता नहीं क्या है ये। ओके, तो EBK Raya बेसिकली है क्रय है, आई थिंक EBK Raya विक्रय। ओके ओके, आई गॉट इट। सो इट इज़ EBK Raya। ओके, तो इसको इस तरह से आप पढ़ेगा, EBK Raya। ओके, विक्रय होता है ना, क्रय विक्रय, तो वहाँ से ये हिंदी से लिया गया है। ओके, तो बकरिया बोलना ठीक नहीं था, EBK Raya है, याद रखिएगा।
ये बेसिकली डेट की रिकवरी के लिए ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म, और इट्स अ कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, ई विक्रय जो है एक कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉपर्टीज सेल की जाएंगी, जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है पब्लिक सेक्टर बैंक से। अब उनको अटैच क्यों किया गया था, क्योंकि लॉस हुआ था जिन कंपनीज जो पैसा लेके भाग गई हैं, जो उन्होंने चुकाया नहीं है लॉस हुआ, जो उनका कोलेट्रल की तरह रखा जाता है ना, तो उसको अटैच कर लेती गवर्नमेंट। अब उसको बेचने के लिए ई विक्रय, बेसिकली ये ई कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ई विक्रय। तो ये जरूर याद रखिएगा, अगर आपसे कल को पूछता है ई विक्रय क्या है, तो ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जहां पे जो अटैच्ड प्रॉपर्टीज है गवर्नमेंट के पास वो बेची जाती हैं। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एफपीआई फ्लोज क्रॉस 1 लाख करोड़ इन 2019। तो एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और वो जो है 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया 2019 में, ऐसा न्यूज है, ठीक है ना। तो ये याद रखेगा, 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, दिस इज द न्यूज कमिंग, ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बेसिकली बताया जा रहा है, किसने बताया है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ने बताया है कि एफपीआईज हैव बीन, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा है, एंड दे हैव इन्वेस्टेड अलॉट, मोर देन 1 लाख करोड़ ये क्रॉस कर गया है। सो दैट इज द न्यूज कमिंग, ओके। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, इट्स द इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया, ओके, इंडियन सिक्योरिटीज। तो जो एफपीआई होते हैं, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि नॉन रेसिडेंट्स करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में, चाहे इंडियन शेयर्स हो, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, चाहे कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो, या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज हो, इन सब में इन्वेस्टमेंट जब नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट कौन है जो कंट्री में रह रहा है, नॉन रेसिडेंट कौन है जो कंट्री में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कंट्री के बाहर रह रहा है और फिर वो इंडियन सिक्योरिटीज, शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, तो फिर वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो सेबी ने रिसेंटली बोला था, जो क्राइटेरिया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट विच इज लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल इन द कंपनी, अगर उस कंपनी की कैपिटल से 10% का कम का अगर इन्वेस्टमेंट किसी के व्यक्ति का है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और अगर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो 10% से कम का अगर इन्वेस्टमेंट है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और 10% से ज्यादा का है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज कीप लविंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।